कोरिया जिले की पटना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 206 नग मोबाइल जब्त किया है। आरोपी थाना क्षेत्र के ग्राम अजर खुर्द में घूम घूम कर पुराने मोबाइल फोन की खरीदी कर रहे थे। सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि साइबर फ्रॉड में बड़े पैमाने में हो सकता था मोबाइल का प्रयोग। थाना पटना का अंजो खुर्द गाँव है, वहाँ पर 4-5 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए जो कि अपने थैला लेकर घूम रहे थे। थाना प्रभारी के द्वारा वहाँ दबिश दी गई और उनसे उनके थैले को चेक किया गया, जिसमें से करीबन 206 मोबाइल, पुराने मोबाइल उसके थैले से प्राप्त हुए। ये जो सभी लोग थे, चारों लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और घर घर जाकर पुराना मोबाइल लोगों से लेते थे और उनकी जगह जो ज़रूरी सामान, घर की जो ज़रूरी सामान होते हैं जैसे प्लास्टिक या स्टील के बर्तन, वो उनको प्रोवाइड कर रहे थे। इनसे थाना प्रभारी के द्वारा इन चारों व्यक्तियों से पूछताछ की गई और मोबाइल के संबंध में इन्होंने किसी प्रकार का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और इनसे उन मोबाइल के संबंध में ज़रूरी वैधानिक दस्तावेज की भी मांग की गई और जो कि इसमें भी उन्होंने अस्पष्टता जताई। इसके आधार पर इनसे पूछताछ किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये शुरू से ये काम कर रहे हैं। ये मोबाइल ले जाकर पश्चिम बंगाल में दुकानों में जगह जगह जाकर बेचते हैं और इनका यूज़ अपराध में या फिर किसी प्रकार का साइबर क्राइम करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं।